जो आम जनता है मतलब आम आदमी है वो लोग मतलब उन लोगों के लिए कुछ ऐसा सरल मंत्र है जो अम्बुबाची के दौरान वो लोग जप कर सकते हैं, ऐसा कुछ आप बोलेंगे? हाँ, बाबा आप कहाँ से आए हो? आए बाबा हस्तिनापुर से। अच्छा, तो आप हर साल अम्बुबाची मेले में आते हैं? हर साल अम्बुबाची मेले में आते हैं, बहुत अच्छा है। माता की जय जयकार है, शक्तिपीठ ये मंदिर है, पावरफुल मंदिर है, इसलिए हर साल माता बुलाती है। माता जय माता की, जय माता, धन्यवाद। तो बहुत दूर दूर से, देश विदेश से और भारत के भिन्न भिन्न प्रांत से साधु संत लोग आए हुए हैं। तो यहाँ पे एक बाबा जी मिले मुझे, तो चलिए हम लोग जानते हैं बाबा जी से कुछ बातें। तो बाबा जी आप कहाँ से आए हो? हम गुजरात से आए हैं, हाँ, लेकिन हम लोग मुंबई में भी रहते हैं। अच्छा अच्छा। तो अम्बुबाची मेले के बारे में बहुत पहले सुना था हमने कि एक बार अम्बुबाची मेले में आके माँ के दर्शन करने, उस उत्साह से हम लोग आए। जी जी। तो आप कितने दिन तक यहाँ पे रुकेंगे? पूरे 4 दिन रुकना है, मतलब 26 तारीख को दर्शन करने के बाद आप लौटोगे? हाँ, 4 दिन माँ का जो कुछ मरण मंत्र आता है, जो कुछ सिद्धि है उसके बारे में रिसर्च करेंगे। आप खासतौर से मतलब क्या साधना करते हैं? देवी की साधना करते हैं, जैसे कि नाम जाप है बराबर, कोई मोहिनी मंत्र है, वशीकरण मंत्र है बराबर, कुछ भूत प्रेत उतारना है, हाँ हम उसी साधना करते हैं। जी जी। तो जो आम जनता है मतलब आम आदमी है वो लोग मतलब उन लोगों के लिए कुछ ऐसा सरल मंत्र है जो अम्बुबाची के दौरान वो लोग जप कर सकते हैं, ऐसा कुछ आप बोलेंगे? हाँ, एकदम सरल मंत्र है, ओम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्चे नमः। ये सब देवी को लागू पड़ता है ये मंत्र। अच्छा। किसी के पर वो भूत प्रेत बाधा है या किसी को सांसारिक तकलीफ है, ये मंत्र जाप जपने से उनकी सरलता हो जाती है और प्रेत बाधा उतर जाती है। जी, धन्यवाद बाबा जी। तो और एक भाई है, भाई मतलब वो भी साधक ही है, तो जानते हैं उनसे कि वो क्या साधना करते हैं? तो आप क्या साधना करते हैं? जैसे इन्होंने बताया वही साधना हम करते हैं, माँ की साधना। ये हमारे गुरु जी है तो हम उनके साथ आए। अच्छा अच्छा। तो आप भी गुजरात से ही हो? हाँ, हम भी गुजरात से ही। गुजरात से। और नाम क्या है आपका? विजय मकवाना। तो और एक साधक है हम लोगों के साथ, आप क्या साधना करते हो? देवी साधना। देवी साधना। और आपने पहले अम्बुबाची में इधर आए थे? मैं फर्स्ट टाइम आया। मतलब ये फर्स्ट टाइम है? फर्स्ट टाइम है। यहाँ के आपको कैसा क्या महसूस हो रहा है? यहाँ आने के देखने के बाद सुकून मिलता है कि कुछ चीज़ है यहाँ पे जो दिल को छू जाती है और दोबारा आने का दिल चाहता है कि अगले साल भी यही टाइम पर हम लोग सभी साथ में मिलकर आ जाए, ऐसा मन में एक विचार आया है। और सबके साथ ये भी सोचा है कि अगले साल कुछ भी हो लेकिन यहाँ आना जरूर है। तो मिलकर बहुत अच्छा लगा आप लोगों से, और आशा करता हूँ आप लोगों का जो मतलब माता रानी के आशीर्वाद कृपा सब आप लोगों को लाभ हो जाए। तो धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। आपको भी रही उनके साथ एक फोटो खींच। हाँ हाँ।